हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 35 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में। दोस्तों, अगर मैच के पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 25 अप्रैल को। इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वहीं पहली टीम गुजरात टाइटंस की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, वहीं 2 मैच हार के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस का भी सेम है, 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं 2 मैच हार के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर लगभग इक्वली परफॉर्मेंस के साथ दोनों आगे बढ़ रही है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो जहाँ पे गुजरात टाइटन 6 मैच जीत के आ रहे, तो वहीं मुंबई इंडियंस 4 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे गुजरात टाइटन्स 2 मैच से आगे चल रही है। बढ़ते फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में, क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहले कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे गुजरात टाइटंस का 70% देखने को मिल रहा है, तो वहीं मुंबई इंडियंस का 50% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो गुजरात टाइटंस का 164 है, तो वहीं मुंबई इंडियंस का भी 164 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो गुजरात टाइटंस का 204 है, तो वहीं मुंबई इंडियंस का 201 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो गुजरात टाइटंस का 133 है, तो वहीं मुंबई इंडियंस का 103 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो कंपेरिजन के मामले में दोनों का लगभग इक्वली फॉर्म देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी? तो हैजी सनशाइन देखने को मिल सकती है। अगर वहीं सेल्सियस की बात करें तो 39.2 डिग्री सेल्सियस रहेगी। वहीं अगर ह्यूमिडिटी देखें तो 46% रहेगी। वहीं 2% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज का मैच का वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पर कैसा होने वाला है? इस पिच का फर्स्ट बेंड का एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पर 162-63 के रन में भी जा सकती हूँ। अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में भी मैं भी उतना 160-158 में भी रन जाएगी, यानी इक्वली दोनों तरफ से रन लग सकते हैं। अगर इस पिच पे देखें तो अभी तक टोटल 13 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सर्विस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो वो भी मैच जीत सकती है, या जो भी टीम टॉस जीत के बॉलिंग करेगी वो भी मैच जीत सकती है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी टीम इस पिच पे अगर स्ट्रांग रहेगी वो मैच जीत सकती है। तो मैच काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पहली टीम गुजरात टाइटंस की बात करें, नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर पिछले सीजन की बात करें तो पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त फॉर्म में चल रही थी, बट यहाँ पे इस सीज़न में कुछ थोड़ी सी स्लोअर चल रही है। वहीं अगर दूसरी टीम मुंबई इंडियंस की बात करें, नो डाउट ये भी टीम काफ़ी अच्छी है, बट स्टार्टअप में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई। वहीं अगर 2-3 मैच पहले अगर चेक करें तो 2-3 मैच में अच्छा खेल के आ रही है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वही बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम गुजरात टाइटंस के की प्लेयर की बात करें तो हार्दिक पांड्या, शुभम गिल, राशिद खान, मोहम्मद शमी। वहीं दूसरी टीम मुंबई इंडियंस के की प्लेयर की बात करें तो ईशान किशन, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, पीयूष चावला। तो ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली हमने हर एक चीज़ डिस्कशन कर ली। अब चलते हैं लास्टली विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए गुजरात टाइटंस हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।